हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे टेस्ट ट्यूब बेबीज के बारे में। तो टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होती हैं, क्या इसका प्रोसीजर होता है एंड क्या रीजंस है कि टेस्ट ट्यूब बेबीज जो है वो प्रोड्यूस की गई थी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर हम देखें टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होती है, ये एक टेक्निक होती है, द टेक्निक ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक टेक्निक होती है एंड इन विट्रो डेवलपमेंट। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इन विट्रो डेवलपमेंट, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स जो है वो इन विट्रो मीट करवाए जाएंगे एंड इसके बाद इन विट्रो डेवलपमेंट फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसके बाद एम्ब्रियो जो बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट, देन एम्ब्रियो जो बनेगा इन द उसको क्या किया जाएगा, उसको ट्रांसफर करवाया जाएगा इन द यूट्रस ऑफ द नॉर्मल फीमेल। एक नॉर्मल फीमेल के यूट्रस के अंदर उसको जो है ट्रांसफर करवाया जाएगा टू स्टार्ट द डिवेलपमेंट, ताकि उसकी डिवेलपमेंट फर्दर स्टार्ट हो सके एंड फाइनली लीडिंग टू द नॉर्मल बर्थ, एंड वो नॉर्मल बर्थ कर सके एंड इसको ही टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। अब ये जो यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि मदर के अंदर जो भी डेवलपिंग फीटस होगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा, उसको वो राइट एनवायरमेंट मिलेगा वहां पे डेवलप करने के लिए, तो इसलिए इसको ट्रांसफर करवा दिया जाता है एंड फाइनली नॉर्मल बर्थ होता है एंड इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। अब ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है इसका क्या प्रोसीजर होता है, ठीक है, कैसे ही प्रोड्यूस करवाए जाते हैं, तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है रिमूवल ऑफ द अनफर्टिलाइज्ड ओवम। पहले क्या किया जाएगा, जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम होगा उसका रिमूवल करवाया जाएगा फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फीमेल, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक से, क्योंकि मे बी उस फीमेल की फेलोपियन ट्यूब जो है वो ब्लॉक हो गई हो या कुछ और रीजंस हो जिसकी वजह से उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही हो। तो इसके बाद क्या किया जाएगा, यहाँ पे जो भी अनफर्टिलाइज्ड ओवम है उसको रिमूव करवाया जाएगा देन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से। इसके बाद ये ओवम जो है एसेप्टिक कंडीशन के अंदर रखा जाएगा। एसेप्टिक कंडीशन का मीनिंग है कि जो कंडीशन के अंदर रखा जाएगा इसको, इन विट्रो कंडीशंस के अंदर वहां पे कोई भी वो कंडीशन स्ट्राइल होनी चाहिए, जैसे कि उसको इथाइल एल्कोहल से स्ट्राइल कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एसेप्टिक कंडीशन में रखा जाता है। इसके बाद क्या होगा, देन फ्यूजन करवाया जाता है स्पर्म एंड ओवम का। ये जो अनफर्टिलाइज्ड ओवम लिया था इसका एंड स्पर्म्स का फ्यूजन करवाया जाता है इन अ कल्चर मीडियम के अंदर। ठीक है, आर्टिफिशियली लैब के अंदर, कल्चर्ड मीडियम के अंदर इसका फ्यूजन करवाया जाता है आउटसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, कल्चर मीडियम जो है आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है टू फॉर्म द जायगोट एंड इसका फिर फर्टिलाइजेशन के बाद मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब मीट करेंगे तो क्या होगा, वहां पे एक जायगोट फॉर्म हो जाएगा एंड ये जायगोट जो है फिर स्टिमुलेटेड टू डिवेलप इन विट्रो अप टू 32 सेल स्टेज एंड इसको इन विट्रो कंडीशन में ही, लैब कंडीशंस में ही 32 सेल स्टेजेस तक ग्रो या फिर डिवेलप करवाया जाएगा। इसको स्टिमुलेट किया जाएगा जायगोट को कि वो 32 सेल स्टेज तक डिवेलप करे एंड इस 32 सेल स्टेज को बोला जाता है मोरूला। तो ये मोरूला 32 सेल स्टेज बन गया है। इसके बाद ये जो मोरूला था ये क्या किया जाता है, अब ये डिवेलपिंग एम्ब्रियो जो है, यानी 32 सेल स्टेज का जो एम्ब्रियो है यहाँ पे इज इम्प्लांटेड, इसको इम्प्लांट करवाया जाता है ऑन द एंडोमीट्रियम। ठीक है, जो यूट्रस की वॉल होती है एंडोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम ऑफ द यूट्रस एट 32 सेल स्टेज। ठीक है, 32 सेल स्टेज के ऊपर इसको क्या करवाया जाता है, इम्प्लांट करवाया जाता है एंडोमीट्रियम के अंदर। एंडोमीट्रियम क्या होती है, एक यूट्रस की वॉल होती है, इनर वॉल जो होती है यूट्रस की, एंडोमीट्रियम। तो ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि टेस्ट ट्यूब बेबीज के अंदर जो ट्रांसफर होता है वो किस स्टेज के ऊपर होता है, वो 32 सेल स्टेज या फिर मोरूला स्टेज के ऊपर होता है। इसके बाद सो द जो प्रेगनेंसी है इन द वुमेन स्टार्ट। ठीक है, प्रेगनेंसी जो है 32 सेल स्टेज के बाद स्टार्ट हो जाएगी एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड जो भी चाइल्ड है उसकी फर्दर डेवलपमेंट होगी कंटिन्यूज इन द वॉम टिल द बर्थ। बर्थ तक उसकी जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू होगी नॉर्मली एंड देन क्या हो जाएगा, बर्थ हो जाएगा एंड इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है।
तो ये प्रोसीजर में ये स्टेप्स यूज होते हैं। पहले अनफर्टिलाइज्ड ओवम को रिमूव करवाया जाता है, देन इसको एसेप्टिक कंडीशन में रखेंगे एंड फिर इसकी फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। एंड जब ये 32 सेल स्टेज पे पहुंच जाएगा तो इसको वापस से क्या कर दिया जाएगा, एक फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा ताकि इसकी नॉर्मल डिवेलपमेंट हो सके एंड ये ग्रो डिवेलप होके एक नॉर्मल चाइल्ड के अंदर बर्थ हो सके एंड उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलेंगे। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, क्यों की जाती है टेस्ट ट्यूब बेबी? बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जो क्या होती है, जिनके अंदर इम्प्लांटेशन नहीं होती है, ठीक है, तो उनके लिए ये एक बोन की तरह है कि उनके अंदर जो है या फिर उनकी फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक होती है तो उनके अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं इनफर्टाइल फीमेल, तो इनफर्टाइल फीमेल हो तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, ये जो है टेस्ट ट्यूब बेबीज के थ्रू उसको प्रेग्नेंट करवाया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे मेल्स के अंदर क्या होता है, ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है, लो स्पर्म काउंट, ठीक है, स्पर्म काउंट जिन मेल्स के अंदर लो होता है तो उनके अंदर भी आर्टिफिशियली इसको क्या करवाया जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबीज के प्रोसीजर के थ्रू कंसीव करवाया जाता है। या फिर बहुत सारी ऐसी, अगर हम और एनिमल्स की बात करें, लाइक कुछ काउज होती है बहुत ज्यादा सुपीरियर होती है, उनके जो ओवम है वो लिए जाते हैं, तो इस वे में ये जो टेक्निक है एक हम बोल सकते हैं एक हेल्दी एंड जिनके अंदर इनफर्टिलिटी होती है उस केस में चाइल्ड बोर्न करने के लिए। तो हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबीज क्या होती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।